Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tip. Good evening to all of you. आज का ट्रेडिंग सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, जैसा पिछला ट्रेडिंग सेशन जो पिछला हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बन जाता है तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा, और ऊपर की ओर मूव इसलिए भी करेगा कि वो ट्रेंड रिवर्सल CPR हो जाएगा, तो R2 लेवल को क्रॉस करके R3 R4 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो आज देखे होंगे R3 लेवल के ऊपर में ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो सेटअप देख के क्लियर था कि इसको जाना तो ऊपर ही है, क्योंकि जब R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तो R1 प्रीवियस डे हाई पे अगर कोई कैंडल आता भी है तो वहाँ से वो रिवर्ट होता है, ठीक है। तो क्लियर कट था कि मार्केट को ऊपर जाना था। अगर हम देखेंगे तो वीकली सिनेरियो भी लगभग अभी हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे तो स्क्रीन पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज सारे लोग प्रॉफिटेबल रहे? जी सर। ग्रेट 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 जी। रोहित भाई आपका तो अच्छा रहा, मैंने देखा था। जी सर, धन्यवाद जी। ठीक है, तो अब स्क्रीन पे चलते हैं, कल का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर हम मंथली CPR देखें तो मंथली CPR में कहाँ सपोर्ट ले रहा है? S1 प्रीवियस मंथ लो। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में वन वे गिरावट आया और S1 प्रीवियस मंथ लो पे प्राइस कंसोलिडेट किया 2-3 दिन। अब उसके बाद फिर S1 प्रीवियस मंथ लो से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अब अगला रेजिस्टेंस इसके लिए क्या रहेगा? ये 20 EMA का लाइन रहेगा। तो 20 EMA का लाइन हमारा आ रहा है 25,300 के आसपास। तो अभी जो मार्केट में अपमू है वो 25,300 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर की ओर हमारा जो लेवल खुला हुआ है 25,300 का। अब वीकली सिनेरियो देख लेते हैं कि वीकली सिनेरियो क्या है। तो वीकली सिनेरियो के हिसाब से आप देख पा रहे हो कि VWAP का लाइन 20 EMA के ऊपर निकल गया है। अब VWAP का लाइन 20 EMA के ऊपर निकल गया है, मतलब वीकली सिनेरियो, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 आवर का कैंडल के सेटअप के हिसाब से ट्रेंड अपवर्ड है, और अपवर्ड है तो पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा? R1 प्रीवियस वीक हाई। तो R1 प्रीवियस वीक हाई हमारा नेक्स्ट टारगेट लेवल है जो कल आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो CPR एक्सट्रीमली नेरो है, एक्सट्रीमली नेरो CPR है, मतलब मार्केट में मोमेंटम फास्ट रहेगा। तो कल के दिन भी आपको फास्ट मोमेंटम ही देखने को मिलेगा जैसे आज का था। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो VWAP का लाइन जो है 20 EMA के ऊपर है, मतलब ट्रेंड अपवर्ड है, अपवर्ड है तो ऊपर की ओर हमारा जो लेवल रहेगा वो 25,235 है, जहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर इसको 1 आवर का कैंडल स्ट्रांग कैंडल के साथ क्लोज कर देता है तो ऊपर का रास्ता खुल जाता है, तो फिर वो 25,500 की तरफ जाएगा, क्योंकि R1 प्रीवियस वीक हाई अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट लेवल हमारा होता है R2 लेवल जो कि 25,500 का है। अब इंट्राडे में देख लेते हैं। तो इंट्राडे में अगर आज का देखेंगे तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है तो हमारे लिए R2 जाएगा, और यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल को भी कंफर्म कर देगा। तो ट्रेंड रिवर्सल होने की वजह से ये R2 के बाद R3 तक चला गया है, और आप देखोगे R3 के ऊपर ही सस्टेन करके ऊपर की ओर गया है। अब कल का अगर हम CPR देखते हैं तो कल का CPR भी कंफर्टेबल लेवल पे ही है। तो कल अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ऊपर की ओर खुलता है और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है जो कि लेवल आ रहा है 25,185, इमिडिएटली आपको देखने को मिलेगा कि 25,244 का है, और वो वन वे देखने को मिलेगा, है ना। तो कल का सेटअप बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन होता है और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है ऊपर की ओर, आप आंख बंद करके R2 का टारगेट लेंगे, वो चला जाएगा, वो आपको सोचने का भी टाइम नहीं देगा, आप इमिडिएटली डाइव करेंगे और डायरेक्ट वो R2 लेवल चला जाएगा, है ना। अगर ये R1 प्रीवियस डे हाई पे ही खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल स्ट्रांग रेड बन जाता है तो फिर ये CPR की ओर आएगा। तो ये ध्यान रखते हुए कल ट्रेड लेंगे ना सर। थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर देखेंगे इसका तो ये R1 प्रीवियस वीक हाई के बीचों बीच है। अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बन जाता है तो फिर ऊपर की ओर मुंह देखने को मिलेगा, तो इमिडिएटली आपको 52,368 का लेवल मिलेगा। तो ऊपर की ओर आपका 400 से 500 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा। तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर आपका खुलता है ऊपर की ओर,
है ना, और वो R1 पार कर देता है 52,072 का लेवल, आपको आंख बंद करके 52,300 का लेवल मिल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट सेम रहने वाला है कल, ट्रेंड सेम है, क्योंकि इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल CPR कंफर्म है ना। हाँ आनंद रेड्डी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि बैंक निफ्टी में जो है कंबाइन प्रीमियम अगर देखा जाए तो वो उतना नहीं है, तो कल का मोमेंट मतलब अपसाइड में किस तरह से अज्यूम कर रहे हैं? प्रीमियम कम है बोलना चाह रहे हैं? नहीं मैं अज्यूम, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपसाइड जो कल हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, हाँ। तो प्रीमियम उतना है नहीं, तो वो मतलब ऊपर जाएगा ही क्या, मतलब ऐसा प्रीमियम नहीं है तो अच्छा है ना आपके लिए, डुअल बेनिफिट एज एन ऑप्शन बायर, वो तो फास्ट मूव करेगा ना, प्रीमियम नहीं है तो नहीं, क्योंकि कंबाइन प्रीमियम थोड़ा सा मैं फॉलो करता हूं तो उसके हिसाब से मैं देख रहा था कि कंबाइन प्रीमियम उतना नहीं बन रहा है, तो वो सोच रहा था। तो वो तो फास्ट मूवमेंट का इंडिकेशन है ना, कंबाइंड प्रीमियम अगर लो है मतलब प्रीमियम तो नलीफाई हो गया है, नलीफाई हो गया है मतलब फास्ट मूवमेंट आएगा, है ना। तो वो तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है एज एन ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर को दिक्कत होगा उसमें, ठीक है। ओके देन, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस्टरडे यू ज्वाइंड? यस सर। यस्टरडे यू ज्वाइंड और टुडे? यस सर, yesterday I have joined, but I am following your videos from almost past 4 to 5 months, and contents are really appreciated, sir. Honestly, I mean it's from the bottom of my heart. Okay, okay then, thank you. एंड डेफिनेटली हमारा जो सेटअप है ना, टू बी फ्रैंक मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं ना, एवरी डे वी आर डूइंग लाइव ट्रेडिंग एंड एवरी डे एवरी इंडिविजुअल आर डूइंग गुड, तो वो अच्छा क्यों कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि लाइव में आने की वजह से कर पा रहे हैं, क्लैरिटी वही है वहाँ पे, क्या है कई बार की जो साइकोलॉजी और माइंडसेट का पार्ट है या क्वांटिटी मैनेजमेंट का पार्ट है, मैं क्या है कि पूछ देता हूँ ना कि कितना क्वांटिटी लिए हो, कितना प्रॉफिट चल रहा है, तुम्हारा टारगेट डन हो गया, भागो यहाँ से, बंद करो टर्मिनल क्योंकि टर्मिनल बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। एज अ कोच आपका अटेंशन हर एक की तरफ है, ये तो मैं देख रहा हूँ, मतलब आई अप्रिशिएट दैट कि आपका अटेंशन ऑलमोस्ट हर एक की तरफ है, जो मतलब पार्टिसिपेंट है सभी की तरफ है, मतलब क्योंकि जितने लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सबने मेरे ऊपर विश्वास करके आया ना, तो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस। हाँ मैडम, After a long time, you have come back, sir. At least 15 days, one time, to chahiye, sir. Aap analysis. Sure, 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 madam, sure. Nee, sir, weekly, sir. Thank you. Weekly. एक group बन रही है sir. मतलब भले ही वो paid वाला हो, तो weekly live trading का एक थोड़ा सा group बना ही है. Hey, already live trading group is there. Anand ji, you can talk to Neeraj ji. That group is there. Okay. है ना? Group is already okay. Existing. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर। जी 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 मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट एक्चुअली। ओके ओके मैडम, इट्स ओके। एक्चुअली चार्ट पे देखते हैं हम, प्रीमियम का चार्ट देखते हैं, एंड उसके साथ में हम लोगों को इंडेक्स चार्ट भी देखना है, सिर्फ प्रीमियम के ऊपर फोकस करना नहीं, कोई भी एक चीज के ऊपर फोकस करिए। इंडेक्स का चार्ट देखने से क्या है कि बड़ा पिक्चर क्लियर हो जाता है। मैं अगर ट्रेड करता हूँ, जैसे अब मतलब मैं बोला भी ना लाइव सेशन में, हम लोग करते हैं पहले हम लोग मंथली CPR एनालिसिस करते हैं, वीकली करते हैं, उसके बाद इंट्राडे सेटअप के ऊपर फोकस करते हैं। हम 1 मिनट का सेटअप को यूज़ नहीं करते हैं, 1 मिनट का सेटअप तब फ्रूटफुल है ना जब वाइडर CPR हो, और अब नॉर्मल CPR में भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल CPR में भी बहुत अच्छे से काम करता है, बट आपको अगर उसमें कम्फर्ट है तो यूज़ कीजिए, अगर कम्फर्ट नहीं है तो आप 5 मिनट पे ही रहिए, इंडेक्स पे ही रहिए, इंडेक्स के हिसाब से डिसीजन लीजिए। ऑप्शन का प्राइसिंग का चार्ट देखने से क्या होता है, आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होता है और टारगेट आपका डिफाइंड होता है ना। तो कई लोग को क्या है वो सूट नहीं करता है कि 1 मिनट है तो वो अप डाउन है, तो उसका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। तो जिनका साइकोलॉजी बिगड़ता है उनके लिए बोल देता हूँ कि भाई आप जो इंडेक्स का चार्ट है उसी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि इंडेक्स में भी वो टारगेट हिट होता है। फ्रेंड्स
अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कम्प्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।